मित्रों परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है मैं आशा करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है हाँ प्रियो जब हम उसके वचन को सुनने के लिए करीब आते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आने लगती है आज का जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वह आपकी आत्मा का एक ऐसी खुराक होगा जो आपको परमेश्वर की आशीषों के पास ले आएगा हे प्रियो, इस बात को ध्यान दे विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है यदि विश्वास नहीं करते हैं, तो आज का संदेश का सुनना भी व्यर्थ होगा बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है परमेश्वर है प्रियो यदि आप उस पर विश्वास करें विश्वास के साथ उसके वचन को सुनना उसके वचन पे मनन करना परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है आज का जो संदेश मुझे मिला है मैं चाहता हूं कि आप उसे सुनें और प्रभु के आशीष को पाए बाइबल बताती है युहन चौदह अध्याय पहले पद में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर का स्वरूप था वो परमेश्वर की महिमा की छाप था इसलिए उसने लोगों से कहा तुम परमेश्वर प्रति विश्वास रखते हो परंतु उसे जानते नहीं हो और मैं उसके नाम में यहां पर आया हूं इसलिए मुझ पर विश्वास कर सकते हो मैं तुम्हारे जीवन से हर एक व्याकुलता को मिटा सकता हूँ ये मसीह आज आपसे इस बात को कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो दुख और आंसू की वादियों से होके क्यों ना जा रहे हो आपको लगता है कोई आपके दुख के विषय में नहीं जानता प्रयोग कोई है जो आपको जानता है प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं आपके दुख उनसे छिपे नहीं हैं क्योंकि बाइबल कहती है कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो प्रभु यीशु ने कहा मुझ पर भी विश्वास रखो प्रियो वाई वी नीड फेथ हमें विश्वास क्यों चाहिए हमें विश्वास क्यों करना चाहिए हम एक अंधकार से भरे हुए संसार में रहते हैं हम एक दुष्टता से भरे हुए संसार में रहते हैं और इस संसार में कोई भी अपने लाभ के लिए अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है वी आर लिविंग इन ईविल डेज दैट्स वाई वी नीड फेथ आई मीन वी मस्ट कैरी फेथ इन अव हार्ट हमने अपने दिल में विश्वास को लेकर जीवन जीना है और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही तुम व्याकुल मत हो कैरी योर फेथ इन योर हार्ट व्याकुल ना हो मुझ पर विश्वास रखो प्रयोग विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं हमारा विश्वास हमारे लिए ढाल का काम करता है प्रोटेक्शन। बाइबल विश्वास को ढाल के रूप में प्रस्तुत करती है यदि आप विश्वास को अपने दिलों में बनाए रखते हैं तब आप परमेश्वर की ओर से सुरक्षा को देखेंगे आवर फेथ इज इन क्राइस्ट जीसस यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमें चारों ओर की बुराइयों से बचाता है बाइबल ऐसा बताती है जब हम हर एक परिस्थिति में अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं प्री बाइबल इसे बताती है जो कार्य विश्वास से नहीं होता उसके लिए वो पाप है और जहां पाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है दैट्स वाई बाइबल से मस्ट अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में वेद इज हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स हम अपने जीवन के हर एक सुख और दुख में जब विश्वास में जीवन जीते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं यदि आप प्रार्थना करें और विश्वास न करें आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते यदि आप बाइबल पढ़ें मगर विश्वास ना करें तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते यदि आप दूसरों को आशीष दें मगर आप विश्वास ना करें तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी देख नहीं पाएंगे इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम व्याकुल ना हो जैसे परमेश्वर पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो अवर रिमूव अवर एंजाइटी हमारा विश्वास हमारी सारी चिंताओं को गायब कर देता है वी आर हेयर टू लिव बाय एंड अवर फेथ इज इन क्राइस्ट जीसस हमें विश्वास के द्वारा ही जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और हमारा यह विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है ब्रदर सिस्टर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें परमेश्वर पलक झपकते ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दे मगर यह कैसे संभव होगा यदि आप उस परमेश्वर पर विश्वास न रखें आप विश्वास करते हैं तभी आज आप इस संदेश को इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस वक्त में इस प्रोग्राम को नहीं देख रहे होते। उसी प्रकार से, यदि आप चाहते परमेश्वर ही आपके जीवन में कार्य करें आपके जीवन की चमत्कार को लेकर आए आपको विश्वास रखना अति आवश्यक है जब आप विश्वास के साथ प्रभु के आएंगे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तब आप परमेश्वर को उनके कार्य को अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे देखने लगेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे बाइबल ऐसा बताती है, इब्रानियों अध्याय पद में और और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले ईश्वर की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाय जा बैठा प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम विश्वास में कमजोर हैं हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं तो हमें यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि वही हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी उन्होंने बहुत दुख उठाया मगर हर एक दुख पीड़ा और कलेश में आंसुओं में उन्होंने विश्वास को बनाए रखा परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे को बनाए रखा प्रार्थना की नहीं तो परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी कीजिए उन्होंने मानव जाति के अपने प्राण को देने से इनकार नहीं किया बाइबल कहती है वो तो धन्यवाद के साथ ही अपने आप को क्रूस पे बलिदान करने के लिए आए थे परंतु उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की यदि मेरे ये किए बगैर ही हो सकता है तो पिता ऐसा करे नहीं तो मैं तैयार हूं पूरे विश्वास भरोसे के साथ आपकी मर्जी पूरी करने के लिए इसलिए बाइबल कहती है उन्होंने दुख उठाया वो आंसू की वादियों से होके गए और वो यहां तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली इसलिए बाइबल कहती है यदि हम अपने विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं हर एक सुख दुख में अपने विश्वास भरोसे में बने रहना चाहते हैं हमें यीशु मसीह की ओर ताकते रहना चाहिए क्योंकि वही हमारे विश्वास को सिद्ध कर सकता है जिसने आनंद से पहले दुखों का सामना किया विश्वास जो के बना, क्रूस पे जान दी और बाइबल कहती है मर कर तीसरे दिन वो जी उठा हालेलुया स्वर्ग पर चढ़ गया पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हुआ हम विश्वास करते हैं बाइबल कहती है, है प्रभु यीशु मसीह जिंदो और मुर्दों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है हमारे चारों ओर के संसार में सब कुछ गलत है बुरा है भयानक है है पीड़ा है है भयानक पीड़ा का कारण है। प्रियो बाइबल कहती है वी नीड गॉड परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसकी आवश्यकता है हम बगैर परमेश्वर के इस भयानक संसार में अपने दिनों को नहीं काट सकते आप अपने आप को इस संसार में सुरक्षित नहीं रख सकते कोई मनुष्य आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता ओनली गॉड कैन गिव सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन आप व्याकुल ना हो आज बहुत से बातों को लेकर लोग परेशान हैं व्याकुल हैं। कोई अपने वैवाहिक जीवन को लेकर व्याकुल है कोई अपनी एजुकेशन को लेकर व्याकुल, ले व्याकुल है कोई अपने रोजगार को लेकर कोई अपने बिजनेस को लेकर बहुत सी बातों में आज का मनुष्य जीवन जी रहा है शैतान ने उनको उलझाया है जिससे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपना ध्यान ना लगा पाए मगर ये मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो आई एम हेयर टू हेल्प यू मैं हूं यहां पर तुम्हारी सहायता करने के लिए तुमने जैसे परमेश्वर पर विश्वास रखा है अब उसकी स्वरूप पर विश्वास रखो जो उसके नाम में पृथ्वी पर आया है जीजस इज गॉड ब्रदर सिस्टर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं आप कभी लज्जित नहीं होंगे यीशु मसीह आपके जीवन से एक व्याकुलता को नष्ट करेंगे और आपके जीवन में समाधान को लेकर आएंगे इसलिए वो सिद्ध करने वाले हमारे कर्ता हैं जो हमारे विश्वास को सिद्ध करते हैं वो आपके आत्मिक जीवन में आपकी धार्मिकता के जीवन में आपके विश्वास योग्यता के जीवन में आपको सिद्ध कर देंगे क्योंकि उन्होंने क्रूस पे जान देकर हमारे लिए सिद्धता का नमूना पेश किया है प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं प्रियो आगे परमेश्वर के वचन से बताता है इब्रानी बारा अध्याय उसके तीन पद पर इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो इसलिए प्रियो निराश ना हो मैं और आप इतने अधिक दुख से होकर नहीं गए जिससे कि हमारा खून बहा हो प्रभु यीशु मसीह ने पाप से ऐसी मुठभेड़ की थी कि उनका लहू बहा था उन लोगों ने सर्क पर कांटों का मुकुट पहनाया हाथों पर पांव में कीलों को के जख्म उनको दिए सीने पर उन्हें भाला प्रभु यीशु मसीह के मारा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दो उसकी क्रूस की मृत्यु पर ध्यान दो उसके दुख पर ध्यान दो कि ऐसी परिस्थिति में भी उसने साहस नहीं छोड़ा विश्वास और भरोसे में मजबूत रहा और यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया ताकि हम भी प्रियो इस संसार में जब हमें कलेश मिलता है हम बहुत से वाद विवादों का सामना करते हैं हम बहुत से तकलीफ देने वाले परिस्थितियों में जीते हैं यीशु मसीह ने कहा तुम साहस मत छोड़ना मैं वहां हूं तुम्हारी सहायता करने प्रभु यीशु मसीह अपने दुख और पीड़ा और कलेश में अकेला संघर्ष कर रहा था मेरे और आपके लिए आशीष है कि आपके और मेरे संघर्ष में खुद प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ देंगे हिब्रांडियो तेरह अध्याय पांच पद में लिखा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा आप यह कह कहकर ना रोए मेरे जीवन के दुखों में कोई मेरे साथ नहीं है ने मुझे त्याग दिया है ने मुझे छोड़ दिया है कोई है जिसने आपको नहीं त्यागा है वरन आपको अपनाने के लिए ही वह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया और क्रूज पर अपने जान दी हम अंतिम दिनों में हैं मैं ये कह सकता हूं कि हम अंतिम खत्म होने वाले वक्त में आ पहुंचे हैं बाइबल कहती है अब देर नहीं होगी कि, कि आने वाला आएगा और चुने हुए लोगों को ले जाएगा प्रियो इन हालातों में इन परिस्थितियों में जहां आप आंसू बहा रहे हैं आप उद्धार करता मसीह की और ध्यान लगाएं जो आपके विश्वास में आपको सिद्ध करेगा पॉलिस बताते हैं हमारा ये जो कलेश है पल भर का है। इसके बाद हम आनंद के नगर में चले जाएंगे दाऊद कहता है मुझ पर जो दुख घटा मेरी भलाई के लिए घटा इसलिए आज आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में परेशान क्यों ना हो सताव से होके क्यों ना चाह रहे हो सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे आपका थोड़ा और दुख उठाने के बाद वह आपको अपने आप ही सिद्ध और बलवंत कर देगा और छुटकारा दे देगा हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के समान हमें पिता के साथ बने रहना है। हमने सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर रहना है, ताकि हम कभी कमजोर ना पड़े बाइबल ऐसा बताती है सब उपदेशक ग्यारह अध्याय 8 पद में यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सभी में आनंदित रहे परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे जो कुछ होता है वह व्यर्थ है हां प्रियो हम केवल इन्हीं बातों की अपेक्षा ना करें कि केवल हमारे जीवन के चारों ओर सुख आनंद और समृद्धि होगी मगर बाइबल कहती है अंधियारे के दिन भी बहुत से होंगे हम कैसे परमेश्वर को यह जताएं कि हम उनसे प्रेम करते हैं क्या हम अपने संसारिक माता पिता से तभी प्रेम करते हैं जब हमारे जीवन के लिए वो सब बातें सुख और आनंदमय की तरह पूरी करते या जब वो हमारे लिए कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो क्या हम उन्हें अपने माता पिता स्वीकार करते हैं करते हैं प्रयोग हम हर एक सुख दुख में अपने संसारिक माता पिता का आदर करते हैं हम हर एक सुख दुख में उन्हें अपने माता पिता का सम्मान देते हैं हम उनके साथ रहते हैं उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ते ये बात हमारे संसारिक माता पिता भी जानते हैं और हम भी जानते हैं उसी प्रकार से प्रियो वो हमारा स्वर्ग के पिता है जो हमें स्वर्ग का राज्य देना चाहता है वो चाहता है कि आप ये सिद्ध करें अपने हर एक सुख दुख में कि आप उनसे प्रेम करते हैं और हर एक सुख दुख में आप उनसे प्रेम करते रहेंगे और आप उन्हें अपना पिता स्वीकार करेंगे आज इस संसार में ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं उनकी प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं उनके लिए चमत्कार कर रहे हैं वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं आराधना कर रहे हैं मगर जब वो अपने जीवन में दुखों को देखते हैं कलेश को देखते हैं वो परमेश्वर का इनकार करते थे मती सात अध्याय किस पद में लिखा है जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु कह के पुकारते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा इस संसार में ढेर सारे लोग हे प्रभु हे प्रभु कह के परमेश्वर को पुकारते हैं मगर कितने ऐसे हैं जो आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर को हे प्रभु कह के पुकारते हैं जो आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए जीवन को जी रहे हैं वो उनका प्रभु है बाइबल कहती है वो अपने भक्तों को पहचान लेता है और ऐसों के लिए ही वो चमत्कार को करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप व्यर्थ में हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले ना बने मगर आप उनकी इच्छा का पालन करें हर एक सुख दुख में आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें आप वचन का अध्ययन करें प्रार्थना करें आराधना करें वो हैं आपके पास वो आपको जीवन के किसी क्षेत्र में नहीं त्यागेंगे नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना है जब प्रभु यीशु मसीह सताया गया क्रूस पर जान दी तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा बाइबल के थे परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उसको जिला दिया क्योंकि उसने हर एक सुख दुख में परमेश्वर को महिमा दी थी इन द सेम वे माई ब्रदर माई सिस्टर यदि आज आप आंसू दुख और पीड़ा की घाटी से होके जा रहे हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद करें परमेश्वर की महिमा करें ऐसी परिस्थितियों में भी आप यह सिद्ध करेंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपसे वादा करता है वो स्वर्ग की सारी ताकत और शक्ति का उपयोग करके आपको आपके दुखों से आजाद करेगा आपको अनंत जीवन देगा बाइबल बताती दूसरा ग्रंथियो चार अध्याय आठ से दस पद में हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते निरुप्रय तो हैं पर निराश नहीं होते सताए तो जाते हैं पर त्याग नहीं जाते गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हम ईश्वर की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि ईश्वर का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो परमेश्वर एक बड़ा कार्य कर रहे हैं स्वर्ग से वो इन बातों को देख रहे हैं कौन दुखों में भी उनके प्रति वफादार है पॉलुस ने बताया आगे को और कोई मुझे दुख ना दे क्योंकि मैं ईश्वर के दागों को अपने बदन में लिए फिरता हूं प्रियो वो बता रहा है कि जितना अधिक वो ईश्वर के खाते दुख उठाता है वो मानो ऐसा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया था उस दुख में वो अपने आप को सहभागी कर रहा है और वचन हमें यही सिखा रहा है दूसरा ग्रंथियो चार अध्याय आठ से दस पद में कि जितना अधिक हम दुख और पीड़ और कलेश से होकर जाते हैं और इतने पर भी हम विश्वास में प्रेम में प्रभु में भरोसे के साथ बने रहते हैं हम यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं इसलिए से ना घबराएं। ये दुख ही आपको यीशु मसीह के क्रूस की सहभागिता प्रदान करता है और आप यीशु मसीह के प्रेम को जान पाते हैं जो अपना प्रेम इसी रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे उसने अपने पुत्र को बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया इन द सेम वे ब्रदर सिस्टर हर एक सुख और दुख में पीड़ा में कलेश में आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, ऐसा करके आप सिद्ध करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप उन पर विश्वास करते हैं और करते रहेंगे जैसे प्रभु यीशु मर के जी उठा आप भी जी उठेंगे नए जीवन के लिए अनंत जीवन के लिए और सदा परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे प्रियो, बाइबल कहती है पहला पत्रस चार अध्याय बारह से चौदह में हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनु की बात तुम पर बीत रही है पर जैसे जैसे मसी के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है हालेलुया प्रियो, जैसे जैसे दुखों में भी, भी आप परमेश्वर के प्रति वफादार ईमानदार होते हैं आप उतना यीशु के क्रूस को समझ पाते हैं और अपने सिद्ध प्रेम को परमेश्वर के प्रति सिद्ध करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करता है आपको लगता है आपके दुख और कलेष में आप अकेले हैं आप इंसानों को ना देखें आप परमेश्वर को देखें जो हर एक सुख दुख में आपके पास है So, दुख से ना घबराएं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तभी आज आप ये संदेश सुन रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करता है बाइबल सब बताती है कि बहुत जल्दी हम परमेश्वर के द्वारा इन सभी दुखों से आजाद हो जाएंगे रोमियो आठ अध्याय अठारह पद में और उन्नीस पद में हम पढ़ते हैं क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है हाँ प्रियो सिर्फ मैं और आप ही संसार में दुख नहीं उठा रहे हैं और पूरी सृष्टि इन्हीं दुखों से होके जा रही है और सृष्टि भी आप ही परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है ताकि वो विश्राम को प्राप्त करें सृष्टि एक अद्भुत बात के प्रकट होने का इंतजार कर रही है वह परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है हाँ प्रियो वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब ये मसीह में छुटकारा देगा आइए जाने परमेश्वर के पुत्र का है क्या बाइबल बताती मत्ती चौबीस अध्याय से इकतीस पद में और वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे हा हा प्रियो सृष्टि परमेश्वर के पुत्र अर्थात स्वर्गदूतों का इंतजार कर रही है जैसे यीशु मसीह इन अंतिम दिनों में भेजने जा रहा है जो हमें इकट्ठा करेंगे और हमेशा के लिए दुखों से करके के पास पहुंचाएंगे यीशु मसीह हमें सदा के लिए आजाद कर देंगे दुख और पीड़ा और कलेश से मगर हम तभी इकट्ठे किए जाएंगे स्वर्गदूतों के द्वारा तभी उठाए जाएंगे जब हम दुखों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार होंगे वफादार होंगे नाउ चेक योर हार्ट क्या आप इस प्रकार के मनुष्य हैं या केवल आनंद के दिनों में आप प्रभु को खोज रहे हैं यू विल फॉल आप कभी भी परमेश्वर के प्रति अपने सिद्ध प्रेम को नहीं दिखा पाएंगे मगर यदि आप दुख में पीड़ा और कलेश में भी बजाय शिकायत करने के परमेश्वर से नाराज होने के कुड़कुड़ाने के धन्यवाद करेंगे स्तुति करेंगे अयुब के समान जिसने सुख के दिनों में भी प्रभु को धन्यवाद किया और पीड़ा के वक्त में भी प्रभु को धन्यवाद किया मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वह हर एक सुख और दुख में परमेश्वर को धन्यवाद करे हमारा कलेश पल भर का है, ना डरे ना घबराए आइए प्रार्थना करें आज आपके जीवन में चाहे कर्जे हो कोई भी पीड़ा क्यों ना कम टू जीजस एंड जीजस विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल योर ट्रबल ब्रदर सिस्टर कैरी द फेथ ऑफ जीजस इन योर हार्ट यीशु मसीह का विश्वास अपने हृदय में लेकर चलें और वो आपको आजाद करेंगे बी अ गुड शेयर एम प्रार्थना करें स्वर के पिता इस संदेश के द्वारा आपने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं मेरी प्रार्थना है आप इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें चमत्कार को करें इन्हें छुटकारा दे प्रभु आज इनके मनों से इनके दिलों से संदेह शक और भ्रम को मिटा दीजिए होने दीजिए इन प्रकार के प्रश्नों को ना करें अगर मेरे जीवन में परमेश्वर होता तो ये दुख क्यों है प्यारे प्रभु आप भी संसार में मालिस् सताए गए जबकि आप एकेश्वर थे आपने अपने प्रेम को क्रूस पे जान देकर दिखाया उसी प्रकार से आज इतने भी लोग इस संदेश को सुनकर मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं हर एक दुख और पीड़ा और कलेश में भी ये साबित करें सिद्ध करें अपने प्रेम को कि ये वाकई आप पे विश्वास करते हैं आज ही प्रभु आप इनके व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आर्थिक सेवकाई में आए हुए हर एक दुखों से हर एक कलिशों से पीड़ा से इनको आजाद कर दें और होने दे प्रभु आप इन्हें निखारें इन्हें छुटकारा दें इनके जीवन में चमत्कार करें आप इनमें से प्रत्येक के व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आर्थिक सेविकाई के जीवन में चमत्कार को दें छुटकारे को दें शांति को दें धन्यवाद स्वामी आपने ऐसा किया होने दीजिए ना सिर्फ सुखों में परंतु दुखों में भी यह आपके प्रति वफादार रहे अपने प्रेम को सिद्ध और साबित करें कि आपसे प्रेम करते हैं और आप इन्हें अनंत जीवन दें आदर महिमा प्रशंसा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमैन हाल या यू आर ब्लेस्ड विद मिरेकल अपनी गवाही हमारे साथ जरूर बांटें प्रभु आपको आशीष